उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का पूर्ण प्राप्त जन्मोत्सव 12 जुलाई को पूरे प्रदेश में मनाया जाएगा। मंत्री नंदी के समर्थक व्यापारी एवं उद्यमी प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विभिन्न आयोजन करेंगे। अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में रुद्राभिषेक पूजन एवं अर्चन के साथ ही प्रसाद वितरण और सेवा कार्य करेंगे। भगवान भोलेनाथ से मंत्री नंदी के दीर्घायु एवं कल्याण की कामना की जाएगी। 12 जुलाई 2010 का ही दिन था जब व्यापारियों एवं उद्यमियों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे गुंडों माफियाओं को चुनौती दे रहे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर प्रयागराज के बहादुरगंज की गली में RDX रिमोट बम से जानलेवा हमला किया गया था। जिस समय हमला हुआ मंत्री नंदी प्रतिदिन की तरह प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे थे। मंत्री नंदी पर हुआ हमला इतना जोरदार था कि पूरा शहर दहल उठा था। इस जानलेवा हमले में एक सुरक्षाकर्मी एवं एक पत्रकार की मौत हो गई थी और मंत्री नंदी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। करीब 7 महीने तक चले इलाज के बाद हजारों समर्थकों और चाहने वालों के स्नेह और आशीर्वाद से मंत्री नंदी मौत को मात देकर वापस लौटे। उत्तर प्रदेश के व्यापारी उद्यमी एवं वैश्य समाज के लोग 12 जुलाई का दिन प्रत्येक वर्ष व्यापारी साहस दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि मंत्री नंदी ने व्यापारियों उद्यमियों से होने वाली गुंडा टैक्स वसूली एवं उत्पीड़न के विरुद्ध न केवल आवाज उठाई बल्कि सक्रिय रूप से उसके लिए काम करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण व्यापारियों में फैला हुआ भय तेजी से समाप्त हो रहा था। यह माफियाओं को चुनौती जैसा लगा, जिसकी वजह से मंत्री नंदी पर जानलेवा हमला किया गया था। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 12 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का पूर्ण प्राप्त जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मंत्री नंदी बहादुरगंज स्थित प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक पूजन करेंगे। प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का जीवन शुरू से चुनौतियों भरा रहा। इलाहाबाद के बहादुरगंज मोहल्ले में 23 अप्रैल 1974 को जन्मे नंदी के पिता सुरेश चंद्र डाक विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। मां विमला देवी घर में सिलाई बुनाई करती थी। आर्थिक तंगी होने के बाद भी उनका हौसला मजबूत था और उन्होंने सदैव संघर्ष और अपने इच्छा शक्ति से वो मुकाम हासिल किया जो लोगों के लिए प्रेरणा बने। मंत्री नंदी राजनीति में आते ही छा गए। शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़े और विधायक बने, फिर कैबिनेट मंत्री बने, फिर तब से अब 3 बार विधायक और 3 बार कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वर्तमान में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में उनके प्रयासों की सराहना हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है। उसमें संबंधित विभाग के मंत्री के रूप में नंदी की सक्रियता और भूमिका सराहनीय है।